बना ली कैमरे को मार दिया मैं। I'm riding a TV। अरे डरना नहीं यार, डरना नहीं। अरे बस बैठना। गुड मॉर्निंग, सुबह की शुरुआत हो चुकी है। बियर बाइसेप्स के बाइसेप्स। आज है थर्ड डे मनाली में, स्नोफॉल नहीं हो रहा है। फर्स्ट डे हुआ था, अच्छा हुआ हम लोग का मतलब लक था जो हो गया है ना, मिल गया, देखने मिल गया। आज तो बहुत धूप है, देख सकते हो आप। इसके लिए हम लोग आए थे, कम से कम वो तो मिल गया, देखने मिल गया है। अभी आगे जा रहे हैं, एक्चुअली बर्फ देखना है और कुछ कुछ पॉइंट्स है उसको देखना है। बहुत सारे पॉइंट्स ना लॉक है, जाने का है। इधर देखो क्या क्या है, सोलांग वैली सब जा रहे हैं। सोलांग वैली में शायद बर्फ मिलेगा, तो वहाँ पे ऐसे बर्फ को पकड़ेंगे, देखेंगे। है ना भैया, अपनी गाड़ी आ चुकी भाई। ये डिले हो रहा है, दादा अभी थोड़ा सा डिले कर रहे हैं, सब नहा रहे हैं टाइम टू टाइम। दादा डिले कर रहे हैं, विवेक नहा रहे हैं तो वेट कर रहे भैया। टैक्सी वगैरह करके घूमते हो तो ज्यादा अच्छा है, बेनिफिट रहेगा, क्योंकि पार्किंग का बहुत दिक्कत है यहाँ पे। और आप फ्री होकर घूम सकते हो, अपनी गाड़ी लेके जाओगे तो फिर वही दिक्कत है, पार्किंग कहाँ करे, फिर ध्यान उधर रहता है, तो ये बेस्ट है। सुबह की शुरुआत मस्त, पूरी भाजी सब्जी, 10 बजने वाले हैं, जल्दी खाते हैं निकलते हैं। तो ये है भाई हमारा आज का टैक्सी कार टूरिस्ट कैब, जो हमको घुमाएंगे आज सोलांग वैली प्लस और प्लस 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 होते जाएगा, देखते हैं कहाँ कहाँ जाते हैं, मान रख देते हैं। हमारे ड्राइवर साहब, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम राम है जी। राम है, राम राम, जय श्री राम, जय श्री राम। गाड़ी देख के लग रहा है बहुत जगह है, बहुत जगह है। ये जो जगह है सब भाई यहाँ तक ही जाती है, वोल्वो बस वगैरह, यहाँ से बस टैक्सी करके जाना पड़ता है। आगे जाना है तो सब गाड़ी देखो यहाँ खड़ी हुई है। वाह यार देखो पहाड़ी, और ये जो जगह है जहाँ पे कपड़े मिलते हैं 250 रुपये रेंट एक कपड़े का, तो यहाँ पे अगर बर्फ में खेलना कूदना है, एडवेंचर करना है, गिरना पड़ना है तो कपड़ा ले लो, है ना, आपके कपड़े गंदे नहीं होंगे। चलो ले लेते हैं, देखो ऐसे ड्रेस आते हैं भाई, शूज और ये कपड़े रहते हैं इंक्लूड, बाकी ग्लव्स चश्मे वगैरह लेने हैं तो अलग से परचेस करना पड़ता है। ऐसे दिख रहे हैं भाई, देखो कैमियो वाला एकदम मोटा हो गया, बेल्ट भी है क्या? देखो भाई मैं कैसे दिख रहा हूँ मालूम, जैसे ड्रेस अच्छा लग रहा है, लेकिन जब स्नो में गिरेंगे पड़ेंगे ना तब ये वसूल हो जाएगा, तो ग्लव्स भी रख लिए भाई। भैया हम भी रख लिए हैं, अब आए इतना दूर तो इंजॉय करके जाएंगे अच्छे से, भाई लोग जूते बस लिए हैं। देखो कितना बर्फ जमा हुआ, कुछ दिन पहले स्नोफॉल हुआ था उसकी वजह से रोड में पूरा स्नो है, गाड़ी के ऊपर पूरा स्नो हो गया है। व्यास रिवर यहाँ पर कितना मस्त बर्फ जमा हुआ पूरा, लेकिन पत्थर के नीचे नीचे कुछ कुछ जो है पानी वो निकल रहा है। देखो भाई कितनी लंबी जाम है, और अपन यहाँ पे उतार गए, थोड़ा रुक गए थे, पीछे भी जाम है, कैसे बर्फ जमा हुआ भाई। देखो रोड में कितने मोटे मोटे लेयर है, नजारा देख सकते हैं, सामने एक पुल है, सोलांग वैली का पुल, 3 किलोमीटर है यहाँ से। तो भाई ये अपनी गाड़ी है HP01K7125, अब यहाँ से हम लोग पैदल जाएंगे, और नज़ारे देखो यार क्या नज़ारे हैं। अभी GoPro में शूट करूँगा क्योंकि वो कैमरा बड़ा हो रहा था, और ये थोड़ा स्टेबल भी रहता है ये। अरे यार फिसल रहे हो यार, तो बर्फ थोड़ा ध्यान से चलना पड़ेगा यहाँ पे भाई। गॉगल ज़रूर ले लो या रख लो, क्योंकि बहुत ज़्यादा तेज आँख में आता, चमकता है वाइट वाइट। मनाली कैमरे को मार दिया मैं, वहाँ से उतरे थे ऐसे घूम के आ रही गाड़ियाँ, और यहाँ तक जाएगी ऊपर, ऐसा ट्रेंड है ना यहाँ पे, यहाँ पे मस्त इंजॉय कर रहे हैं भाई। चेहरा बस में नहीं मार रहा है, बाकी हाँ मस्त लग रहा है यार। दूर पड़ेगा शुक्ला जी एकदम मोड में है। मैं गिर गया। आराम से चढ़ो,
स्टाइल है, थोड़ा रिस्की है बट रास्ता है। देख के कदम रखो सर, देख के कदम रखो। सोलांग वैली थोड़ा ऊपर है और ज़्यादा बर्फ़ मिलेगा, अभी तो यहीं से बर्फबारी चालू हो गया। मतलब मारना पीटना बर्फ़ में खेलना, क्योंकि तो गर्मी लग रहा है अंदर और जैकेट पहने हुए ना तो इतनी गर्मी लग रहा है, क्योंकि चल भी रहे ना हम लोग। अरे पकड़ लिए। बर्फ मज़ा आ रहा है एकदम। हम लोग थोड़ा शॉर्टकट से ले चल के आ रहे हैं, गीला गीला हो गया, अब ग्लव्स पहनना पड़ेगा लग रहा है। इस जगह बर्फ में चलना ना, जो पगडंडी बना ना उसी बस में रखो, इधर उधर साइड में रखोगे ना तो धस जाएगा पैर, जब पैर पूरा घुस जाएगा, नीचे घुस जाओगे। अभी जस्ट मेरे साथ हुआ था वैसी। ये भाई यहाँ से खच्चर भी कर सकते हो आप लोग, खच्चर का लेकिन जो टट्टी है वो बहुत बस आ रहा है। से अच्छा ATV कर लो, है ना भैया। भाई मैंने अंदर का जैकेट लेयर निकाल दिया है क्योंकि गर्मी लग रही, पसीने निकल रहे मेरे। भुट्टा खा रहे हैं अभी, भुट्टा लिए हैं। देखो KKR पूरा तो लिखा है नहीं यहाँ पे। किससे जी रेटिंग दो? 8 out of 10 out of 10 out of 10 है, सही है। जला हुआ है थोड़ा सा दिख रहा है। भाई यहाँ पे हम लोग जो भुट्टा खाया वो 50 रुपये का था, तो एक तरह से सही था, कॉस्टली नहीं था इस ऊँचाई के हिसाब से, और दूसरे तरीके से थोड़ा सा जला हुआ था। ठीक है अब कुछ तो जाना चाहिए पेट में। ये देखो ATV, ये यार एक बार चलाना यार। ये है भाई यॉक, यॉक यॉक की सवारी। चाचा कहाँ जा रहे हैं? वैली स्टार्ट हो गया यहाँ से। मजा आ रहा है, पहली बार ऐसे बर्फ देखा मैं। ये देखो बर्फ से बना हुआ है, दूर कुल्लू बना ली, रंगोली बनाया बर्फ से। विनय सर इतने ज़्यादा मस्ती कर रहे हैं ना, पूरा पलट 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 क्या रहे। हेलो सर कैसे हो? मज़ा आ रहा है एकदम, पूरा गेटअप में देखो स्नो वाले। राइट मस्ती चल रहा है भाई बहुत अभी। विनय सर का बहुत चल रहा है अभी, बैठ गए अभी तो। अभी ATV बुक किए हैं और कुछ कुछ एडवेंचर करेंगे, जिप लाइन वगैरह, इसलिए बुक कर लिए कॉम्बो वाला। बर्फ ज्यादा था ओ भाई। इधर 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 नीचे नीचे कहाँ जाएगा जी? उधर देखो। हाँ चलो, ओहो मजा आ गया सर, मजा आ गया। अभी ATV राइड तो कर लिए, अब जिप लाइन करते हैं, पहले ATV राइड और करेंगे, इसके बाद सेफ्टी जरूरी है। एकदम मजबूत वाला है ना? बिल्कुल भाई, बिल्कुल मजबूत वाला बनाएंगे भैया। बिल्कुल मजबूत है ना भैया। हाँ ये अपना फंदा है कि ये भी एक शौक था, मतलब डर है ना उसको वो करना है, भगाना है, इसलिए कर रहे हैं इसको। इतने दूर आए तो जरूरी है। मैं उधर जाऊँ पहले? हाँ। ले भाई अच्छा मजबूत वाला है ना। एक नंबर, एक नंबर। मजा आ गया। अरे दादा आप कुछ ज्यादा ही भारी हो। अब यहाँ से हो रहा है रिटर्न। क्या ऊंचा है लेकिन नीचे देखो, ये ज्यादा ऊंचा है। थ्रिलिंग था यार, थ्रिलिंग था। दादा भी आ रहे हैं। वाह एक नंबर ब्रेकिंग सिस्टम है इसमें।
पीछे ग्रिपिंग ज्यादा है, इसमें ग्रिपिंग कम है, इसलिए थोड़ा फिसल रहा था सामने सर चला रहे हैं। वाह यार एक नंबर है यार। भैया कैसा लगा एटीवी चला के? एक नंबर लगा, पहली बार का फीलिंग था। मस्त ट्रैक में चलाएं। और आपका क्या नाम भैया? बबलू है सर। बबलू भाई हैं, बढ़िया हमने ट्रैक में चलाने दिया, थैंक यू भैया वेरी मच। और अभी हमने रोड पे भी चलाया, फिर भीड़ आ गई इसलिए छोड़ दिया। अभी एक और एडवेंचर ट्रिप करने वाले हैं। यहाँ पर देखो भाई पूरा एडवेंचर एक्टिविटीज होता है यहाँ पर। तो सोलान वैली पहुँच चुके हैं हम लोग, तो ये मेन जगह है जहाँ पे सारे एडवेंचर एक्टिविटीज होते हैं। ये सबसे महंगा वाला है, 1500 रुपये खाली उसी का लगता है। हमने हज़ार में पूरा 3 एक्टिविटी कर लिया, मतलब स्लाइड वाला टायर में, स्काई नहीं कर रहे हैं, स्काई एक बार कर चुके हैं, मज़ा नहीं आता, गिरते पड़ते ज़्यादा उसमें, और एक जिप लाइन वाला, सबका मज़ा लेना चाहिए। आया तो ले रहे हैं मज़ा। ये ऐसे टायर में बैठ के नीचे वहाँ तक फिसलना है भाई। हम लोग ये ऊपर वाला नहीं कर रहे हैं क्योंकि ना ये ज़्यादा ऊंचा में नहीं है। जो बीर बिलिंग का है ना वो ज़्यादा अच्छा है, मतलब 3500 रुपये लग रहे हैं और इतना कम ऊंचाई में कोई मतलब नहीं है, इसलिए हम लोग वैसे में ऊपर चढ़ना पड़ेगा, टाइम लगेगा। यहाँ पे बर्फ पकड़ रहे हैं एकदम हल्का ये। अरे डरना नहीं है, डरना नहीं, अरे बस बैठना है स्विमिंग पूल। एक नंबर, ठीक है। हाँ जबरदस्त है ये। चलो भाई हो गया एडवेंचर, ये मजा आ गया। कैसा रहा? एक नंबर। डर रहे थे आप? डर क्या, वो तो ऐसे 2 सेकंड का था बस। डर क्या के दर्द है लेकिन जीत था। जीत था। एक नंबर। ये क्या तक खड़ा करके भैया लैंड करा दे हो गया ये। एक नंबर भाई, ऐसा होता है। पैराशूट देखो भाई कैसे पैराग्लाइडिंग करते हुए आ रहे हैं। पहले रोपवे से ले जाते हैं वो टॉप पे, वो जो दिख रहे ना ऊपर टॉप शिखर पे ले जाते हैं, फिर वहाँ से ऐसे पैराग्लाइडिंग करते हुए ऐसा लैंड कराते हैं यहाँ पे। तो चलते हैं यहाँ से। ये हमारे कुछ साथी जो रायपुर से आए हुए यही मिल के सोलांग वैली में, बोलो अच्छा लगा मिल के। सर सर आपका यूट्यूब चैनल का नाम क्या है सर? सर विनायक दास। सर मेरा भी चैनल है सर, के राइडर, मैं भी रायपुर से हूँ। अच्छा थैंक यू सर। तो ये था सोलांग वैली, यहाँ से रिटर्न होते हैं भाई हम लोग, वापस चलते हैं। बहुत एडवेंचर कर लिए, मज़ा आ गया, और काफ़ी ज़्यादा क्राउड है यहाँ पे क्योंकि ऑलमोस्ट 3 बजने वाले हैं, तो यहाँ से निकलना भी ज़रूरी है क्योंकि ट्रैफिक लगने वाला है, 2 से 3 घंटे लग जाएंगे वापस जाने में। लेकिन कुछ खा लेते हैं यहाँ पे, तो खाने पीने का भी है क्योंकि सुबह से हमने नाश्ता बस किया है, तो खाना भी ज़रूरी है।